शो को स्पॉन्सर कर रही हूँ एंड क्योंकि ये गुड कॉज है, क्योंकि हम बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं, तो फिर आई एम हैप्पी फॉर दैट. या एक्चुअली या श्योर, ग्रीन इज माई फेवरेट कलर एंड उन्होंने जो काम किया गोल्डन, तो आई रियली लाइक ग्रीन कलर, सो दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस टुडे एंड आई एम रियली हैप्पी. एक्चुअली माई प्रोडक्शन हाउस इज मेक ब्रांड एंड मैं दो फिल्म प्रोड्यूस कर रही हूँ, एक है रॉबिन हुड के पोते एंड अनदर वन इज वन वे टिकट. उसका शूट हमने जस्ट इटली में, पूरी यूरोप में किया था, लाइक स्पेन में एंड मार्शल एंड बहुत सारे काफ़ी जगह पे हमने शूट किया है एंड यस आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. कर दिस आर टू माय वेरी स्टार्ट में मैं कर रही हूँ ऐसा प्रोजेक्ट एंड रियली हैप्पी फॉर दैट. थैंक यू. रिचुअल तो ले ले. मनाली का ये जो इनिशिएटिव है उम्मीद फाउंडेशन के थ्रू, कितना यूनिक इनिशिएटिव, कितना अच्छा है, मतलब सोशल. बहुत बहुत ब्यूटीफुल इनिशिएटिव है उनका. आई थिंक सो उम्मीद से वो जुड़ी हुई हैं एंड बहुत मेरे को ने जब उनको फ़ोन किया, उन्होंने इस संस्था के बारे में बताया, तो मैं बहुत इमोशनली टच्ड हो गया और मैंने तुरंत उनको हाँ कर दी. मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल था आज का, उसके बाद में सब कुछ काम छोड़ के मैंने कहा नहीं, आई विल सपोर्ट दिस कॉज. एंड अब जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा. आई थिंक वी ऑल हैव कम टुगेदर टू सपोर्ट मनाली एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉज. देखिए हमेशा तो मैं बहुत यूनिक ही कपड़े पहनता हूँ, जैसे आप जानते हो. मैंने उससे मेरे को शेरवानी थी, उसमें मैंने उसके ऊपर एक मैंने ड्रेप कर लिया है इस तरह कुछ. अभी स्टेज पर जाऊँगा तो और डिफरेंट ड्रेप करूँगा. तो खुद का क्रिएशन है, किसी ने एडवाइस किया? देख क्रिएशन तो मनाली का है, पर थोड़ा सा थॉट मैंने प्रोसेस डाल दिया. और प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, किसी फिल्म पे काम कर रहे हैं? जी अभी एक दो तीन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, जाने वाले समय में आपको बताएंगे. और आप एसोसिएट खुद होना चाहेंगे किसी ऐसे? ऑफ कोर्स उम्मीद के साथ मैं एसोसिएट होना चाहूँगा, बिकॉज आई थिंक ये कोर्स मैंने पता किया है कि बहुत से लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप देखेंगे उम्मीद के लिए मैं बहुत कुछ आने वाले सालों में करूँगा. थैंक यू सो मच. सी जितने भी लोग हैं जो अपने एनजीओस के लिए काम करते हैं और सोसाइटी में जो लोग हैं जो सोसाइटी में लेस चैलेंज्ड हैं या जो भी हैं, आई थिंक वी शुड ऑल हेल्प देम. एंड आई थिंक उम्मीद इज़ अ ग्रेट थिंग बिकॉज शी डील्स विद किड्स विद ऑटिज्म, किड्स विद यू नो लॉट ऑफ डिफेक्ट्स, डेफिशिएंसीज जो भी हैं. एंड आई थिंक शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब विद दिस एंड आई एम ट्रूली सपोर्टिंग द कॉज टुडे. मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करती हूँ. आई एम वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व विद अ होम कॉल सेंट कैथरीन्स होम फॉर द लास्ट 15 ईयर्स. बट आई बिलीव कि अगर आप चैरिटी कर रहे हैं तो उसका ढिंढोरा मत पीटिए. दिस इज़ व्हाट आई टोटली बिलीव इन. उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ. अपने मन में हर किसी को उम्मीद हमने 4 साल पहले शुरू की थी और जब हम कॉलेज में थे तभी शुरू की थी. और एक्चुअली एक दिल में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था और हमें कुछ करना था मतलब सोसाइटी, तो हमने फ्रेंड्स सारे फ्रेंड्स मिलकर ये सब शुरू किया था. बट आई डोंट बिलीव आफ्टर द टाइम मैं इंडस्ट्री में आई हूँ, आफ्टर द टाइम यू नो व्हेन द इंडस्ट्री स्टार्टेड बिकमिंग सो क्लोजर एंड फ्रेंड्स बन रहे सारे, दे सपोर्टिंग सो मच, तो हमने सोचा कि बच्चों की खुशी के लिए, बिकॉज इट वॉज चिल्ड्रंस डे एंड बच्चों की खुशी के लिए वी थॉट दैट वी शुड डू समथिंग जहाँ पे उनको भी वन डे ऑफ ग्लैमर मिले. एज एन एनजीओ हम बहुत कुछ करते हैं उनके लिए. एज एन एनजीओ हम यू नो उनका एजुकेशन करते हैं, उनके बेसिक उनका मेडिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं. बट उनको सेलिब्रिटीज़ को मिलना या उनको ये सारो कभी कभी ये सब मिलता नहीं उनको करने के लिए. तो आई थॉट दैट इफ़ इफ़ आई कैन गेट ऑल माई फ्रेंड्स
together and make them meet them and let them walk the ramp with them. Bahut maza aayega. And they genuinely, this is our second year of Star Walk, and last year unhone bahut zyada maza kiya tha. And this is not to do anything with ki oh event karna hai or anything. This is more of this ye karna hai kyunki bachon ki bahut zyada ichha thi. Is baar last year we had 38 people walking, 38 celebrities walking. This year we've crossed 52 celebrities, and I want to grow every year. I hope someday we'll have more than 150 to 100 celebrities. But every one of them have been very, very supportive. They're all wearing my creation. They're all wearing different kind of creation. In fact, they're wearing different collection. You will see every design is different than each other. Something that suits them, something that they carry off really well. So I'm really excited about it. I just believe that every show is a task. Every show is we are growing with every show. So I मुझे ऐसे लगता है कि every time I have to walk the ramp, I'm nervous and I'm excited. So Manali, आज आपसे एक खास बात जानना चाहेंगे. So basically, आजकल we have a lot of fashion show जो fundraiser कर रहे हैं, जो a lot of things कर रहे हैं, but this is special, like I said, because the children are walking with the celebrities. They're all special children, they're all Down syndrome children, and they're actually walking with them. And I think that is more special because here the child is actually getting to actually feel that, you know, vibe of glamour, to actually see what a celebrity goes through in a day-to-day life, and we want to give them that little experience because they get really excited and happy to do this. All of them are really special to me because bahut sare log unke shooting schedules ko chhod ke aaye hain. We have a lot of television people walking. We have Ritwik, Kasha, we have Ajaz and his wife and his really cute son. We have, and it's not just the celebrity, it's about, you know, the families are walking with them, their bachchas are walking with them to support the cause. So it's really exciting. There's Rishta, there is Amrita, there are a lot of people. I think you should see that. Whoever is walking, you should see that. That's going to be a little surprise. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.